नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव आधुनिक भारत के इतिहास के बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे इस बुक के अंदर आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वन डे एग्जाम के। और इस बुक में आपको 1900 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। खास बात यह है कि इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे विभिन्न एग्जाम के, ठीक है। और ये बुक दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इतिहास के तीन पार्ट और ये बुक दोस्तों सारे सब्जेक्ट के आते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं इन 10 से इस सीरीज के 10 बुक का वीडियो, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव है आधुनिक भारत के इतिहास, 1900 प्लस से क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बुक का जो MRP है दोस्तों 195 है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। बुक का कोड आपको 4417 देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों नंबर ऑफ पेज के बारे में, तो नंबर ऑफ पेज आपको 264 आपको देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे दोस्तों अंदर में देखें तो ये बुक दोस्तों सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें UPSC, स्टेट, PCS, SSC, रेलवे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए, ठीक है। 195 रुपीज MRP है, न्यू एडिशन है, मतलब पहला एडिशन है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कुल मिला के 8 एक्सरसाइज है, प्लस में आपको संभावित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 100 यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एवं विस्तार, उसके बाद ब्रिटिश शासन की नीतियाँ एवं प्रभाव, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग से पूर्व एवं गांधी युग, उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्र के बाद भारत 1947 से लेकर 1969 का इतिहास है, एशिया का इतिहास, यूरोप का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, अफ्रीका का इतिहास और संभावित प्रश्न है, मतलब विश्व का इतिहास भी देखने को मिलेगा और भारत का इतिहास भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। अगर बात करें पहले अध्याय के बारे में, तो पहला अध्याय ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एवं विस्तार कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप दोस्तों देख रहे हैं SSC का हो गया, उसके बाद CHSL का हो गया, इसमें PCS के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं पे, और रेलवे का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, विभिन्न एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था, यही पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सारे एग्जाम के क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के सारे एग्जाम के कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस बुक को अगर आप दोस्तों देख लेते हैं तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बुक से सारा कुछ कवर होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे कुल मिला के आपको 62 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आंसर की देखने को मिलेगा, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन। और किरण पब्लिकेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुई थी, या पुराने फोर्ट विलियम से किले में बनी एक छोटी सी काल कोठरी थी, 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सैनिक ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिए थे, और इसमें प्रत्येक अत्यधिक गर्मी और दम घुटने और कुचलने से 123 बंदियों के मृत्यु हो गई थी। इस यह घटना भारत के ब्रिटिश उपनिवेश के विस्तार का प्रमुख कारण बना, ठीक है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन दोस्तों कितना सिंपल यहाँ लैंग्वेज का यूज किया गया सॉल्यूशन के अंदर, तो सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमको देखने को मिलने वाले हैं। अगला एक्सरसाइज है दोस्तों, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ एवं प्रभाव, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों देख सकते हैं कि सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अच्छा प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है वो समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छे संख्या में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के अगर हम बात करें तो दोस्तों 74 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 274 क्वेश्चन, उसके बाद आंसर की, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों इस बुक के अंदर, ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों बात करें, तो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग से पहले एवं गांधी युग के बाद है, तो यहाँ भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आधुनिक भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि 400 से 500 भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं पलटते जा रहा हूँ पेज, 1000 क्वेश्चन पार कर गया यहाँ पे, ठीक है। 1200 यहाँ क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों,
ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1235 क्वेश्चन है, उसके बाद आपको आंसर की आपको देखने को मिलने वाला है डिटेल सॉल्यूशन, और हर एक क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको टेबल भी देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जिससे आपको फैक्ट याद करने में सुविधा हो, और जहाँ फिगर की ज़रूरत है वहाँ मैप भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे 1947 से लेकर 1969 के बीच में क्या इतिहास था भारत का, तो यहाँ पे 62 क्वेश्चन और सभी के सॉल्यूशन। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि एशिया का इतिहास भी देखने को मिलेंगे, तो एशिया का इतिहास यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पीसीएस लेवल में एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यहाँ 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूरोप का इतिहास, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से अगर हम बात करें कुल मिला के 123 और यहाँ पे 140 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिएगा, आगे यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पे अमेरिका के इतिहास देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अफ्रीका के इतिहास, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर संभावित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो छूट गए, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, इस बुक को ले सकते हैं। इनके और भी बुक आते हैं, जैसे ये सामान्य ज्ञान का बुक आता है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, एनसीईआरटी के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करता है ये बुक। उसके बाद भारत का मानचित्र, भूगोल, भारत का भूगोल 2021 वन रिपोर्ट के साथ न्यू एडिशन आ गया भरत लाल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। सामान्य हिंदी का ऑब्जेक्टिव ये बुक है दोस्तों, जिसमें से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। फिर इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों, जिसमें ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल देखने को मिलेंगे। कॉमन एरर का ये बुक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो खान सर की बुक आते हैं, अर्थव्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजव्यवस्था, पर्यावरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सार संग्रह एग्जाम वाइज, ये सभी बुक आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सभी बुक का दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।